नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारी सुरक्षा के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, हमारी सुरक्षा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी सुरक्षा के लिए कोई परमेश्वर, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड जवाबदार नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी जवाबदार नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए कोई सुपरवाइजर, कोई मैनेजर, कोई प्लांट हेड जवाबदार नहीं है। जितने सबसे भयंकर एक्सीडेंट होते हैं दोस्तों, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस बंदा रहता है, वही सबसे भयंकर भयंकर एक्सीडेंट करता है। दोस्तों मेरा निवेदन है, जब भी किसी भी मशीन के साथ काम करें तो ये याद रखें कि हम मानव हैं, हम में इमोशन है, हम में भावनाएं हैं, और लेकिन यहाँ जितनी मशीनें आपको दिख रही हैं, किसी भी मशीन में कोई इमोशन नहीं है, कोई भी भावना नहीं है। किसी भी मशीन के साथ जब भी काम करें, ऐसे काम करें कि जैसे आप पहले दिन उस मशीन के साथ काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका प्लांट सुरक्षित रहेगा, आपका देश सुरक्षित रहेगा। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखें, अपना स्वास्थ्य अपने हाथों में रखें, ये हम सबको संकल्प लेना है। अपने आप को सुरक्षित बनाएंगे और हमारी वजह से हम समाज को सुरक्षित बनाएंगे। फ्लाइट जब उड़ने के लिए तैयार हो जाती है, उसमें एयर होस्टेज आते हैं और वो लोग हमें नॉलेज देते हैं कि अगर फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक मास्क के नीचे लटकेगा, और उसमें एक सूचना देते हैं कि उस मास्क को सबसे पहले किसको पहनना है, हमें खुद पहनना है, आपको पहनना है। दूसरों की सुरक्षा करने से पहले आपको खुद की सुरक्षा करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर हम दूसरे की सुरक्षा करना चाहते हैं तो हमें खुद की सुरक्षा से स्टार्ट करना है और लोगों की सुरक्षा करनी है। तो जब भी इस तरीके का अनैतिक काम होते हुए देखें, कोई भी सुरक्षा के मामले में ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो मेरा कहना है आवाज़ उठाएं, कड़क आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप एक आवाज़ उठाएंगे, हो सकता है उसको आपकी बात पूरी लगे, उसका थोड़ा दिन मन दुखी रहे, लेकिन अगर सोचो उसको मशीन से उसका हाथ कट गया, उसको जीवन भर दुख झेलना पड़ेगा, उसका पाँव कट गया, जीवन भर दुख झेलना पड़ेगा, उसके परिवार को दुख झेलना पड़ेगा, कंपनी को दुख झेलना पड़ेगा। दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि किस्मत हमारी मुट्ठी में है, स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में है, हम अपनी सुरक्षा अपनी तरक्की की जवाबदारी हम स्वयं लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हम भी सुरक्षित रहें, राष्ट्र सुरक्षित रहे, ये आज के दिन हम एक संकल्प लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।